तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्यूट एंड सिंपल क्रिसमस DIYs। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BCB। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे ये एक पुराना कैंडल लिया है। ये देहरादून में मैंने लिया था, बट बीकानेर आने के बाद ये ऐसे ही रखा रह गया पैक करके। एंड फिर जब मैंने इसको निकाला तो देखा कि ये थोड़ा सा डीशेप्ड हो गया है, मतलब कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि उसकी वजह से ये थोड़ा मेल्ट हो गया एंड इसकी वजह से ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रीयूज़ किया जाए एंड इसको वापस से एक शेप दे दिया जाए। तो यहाँ पे मैं सिरामिक बोल में अपने सारे कैंडल्स को रख दूँगी एंड इसको पे माइक्रोवेव में गर्म करूँगी जिससे कि ये मेल्ट हो जाएगा। आप डबल बॉयलर की हेल्प से भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। आप कोई भी कैंडल का या फिर वैक्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास लकीली रेड कलर की ही कैंडल थी एंड इसको मेल्ट करने के बाद मुझे कोई एडिशनल कलर नहीं डालना पड़ा यहाँ पर। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये एक ग्लास जार। जनरली हम सबके घरों में ऐसे ग्लास जार्स मिल जाते हैं, तो इसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर हम रखेंगे एक ये कैंडल विक एंड इसको सिक्योर करने के लिए मैं मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ। अब नेक्स्ट हमारा जो वैक्स था वो भी मेल्ट हो चुका है। अब हम उसको यहाँ पर फनल की हेल्प से पोर कर देंगे। जब ये अच्छे से कम्प्लीटली जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट DIY करेंगे। अब जो बचा हुआ ये वैक्स है इसको हम अपने नेक्स्ट DIY में यूज़ करेंगे। अब जब हमारा कैंडल कम्प्लीटली जम जाएगा तब हम इसको डेकोरेट करेंगे। ऊपर का सरफेस बहुत फ्लैट नहीं है, तो उसको फ्लैट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ड्रायर या ब्लोअर से थोड़ा सा आपको इसको मेल्ट करना है, उसके बाद ये कम्प्लीटली सेटल हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये ग्लिटर वाला फोम यूज़ किया है। पीछे की तरफ इसमें ऑलरेडी एडहेसिव लगा हुआ है, तो मुझे कोई अलग से ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो भी शेप मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसको कट कर लूँगी एंड उसके बाद बस फटाफट से हम इसको स्टिक कर देंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो सेंटा का बेल्ट होता है वो बना रही हूँ। गोल्डन कलर का जो पार्ट है वो सेंटर में आएगा एंड ब्लैक वाला बेल्ट का काम करेगा एंड इसके बाद हम इसको यहाँ पर स्टिक कर देंगे। तो देखिए कितने ही लिमिटेड आइटम्स में हमने एक क्यूट सा क्रिसमस DIY बना लिया। तो कैंडल आपने देखा कि कैसी हालत थी एंड ये जो फोम है ये भी किसी क्राफ्ट से बचा हुआ था, तो उसको ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो बस हमारा फर्स्ट DIY रेडी हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो नेक्स्ट DIY के लिए मैं यहाँ पे दो कलर के पेपर्स यूज़ करी हूँ, वाइट एंड रेड। तो बेसिकली हमको करना क्या है, जो हमारा पेपर है उसको अच्छे से 3-4 फोल्ड हमको फोल्ड कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे सर्कल्स हमको ढेर सारे मार्क कर लेने हैं। मार्क करने के लिए आप कोई भी राउंड शेप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको कर लेना है कट। तो सीज़र की हेल्प से मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। लेयरिंग की है हमने पेपर की, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक बार में हम बहुत सारे सर्कल्स कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने रेड एंड वाइट कट कर लिया है एंड यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेड मैं ले लूँगी एंड जो सर्कल्स हैं इनको हम इस तरीके से ओवरलैप करते हुए एक दूसरे के साथ स्टिक कर देंगे। इससे क्या बन गया, हमारा एक क्यूट सा कैंडी रेडी हो जाएगा एंड इसको हैंग करने के लिए जो थ्रेड हमने कट किया था उस थ्रेड को भी हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे। तो देखिए कितना ही ईजिली हमने एक क्यूट सा कैंडी ऑर्नामेंट रेडी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैं कुछ क्यूट क्यूट से MDF कटआउट्स का यूज़ करी हूँ। तो ये मैंने लिए हैं क्राफ्टोलॉगर से, उनका जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी एंड अगर आप कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू5 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ये MDF कटआउट्स थे इन सबको मैं पेंट कर लूँगी। जो भी कलर आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्रेलिक का यूज़ किया है, आप चाहें तो चॉक पेंट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं एंड कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने बस ऐसे ही जो मन कर रहा था मैं वैसे पेंट कर रही थी। और जब सारे जितने भी थे मेरे पास ये ऑर्नामेंट्स इन सबको जब मैंने पेंट कर लिया तब बारी आती है इनको आपस में एक साथ अरेंज करने की।
तो इन सबको एक सीक्वेंस में मुझे लगाना था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो क्रिसमस में बेसिकली हम ग्रीन वाले गार्लैंड्स यूज़ करते हैं उसका ही यूज़ कर रही हूँ, एंड थ्रेड की हेल्प से इन सब को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैं स्टिक कर दूँगी। तो ये इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैंने तो वैसे ऑफलाइन स्टोर से लिया है, बट अगर मुझे कोई ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। एंड इस तरीके से मैंने इन सब को यहाँ पे स्टिक कर दिया है, एंड देखिए कितना ही प्यारा सा एक क्रिसमस गार्लैंड हमारा रेडी है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले DIY पे। तो यहाँ पे ये एक कैंडल ग्लास है मेरे पास, ये आपको जहाँ पे भी कैंडल मेकिंग किट मिलती है वहाँ पे इस टाइप के क्यूट क्यूट ग्लासेस मिल जाएंगे। एंड जो बचा हुआ वैक्स था हमारा उसको यूज़ करके मैं यहाँ पे फटाफट से एक और कैंडल बना लूँगी, एंड इसको मैं बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ। मेरे पास ये कुछ वैक्स ग्रैनुल्स थे, इनको मैं यहाँ पे ऊपर बस इस तरीके से डेकोरेट कर दूँगी, एंड हमारा जो एक क्यूट सा कैंडल था वो रेडी है। आसपास आप क्यूट क्यूट चीज़ों से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, एंड ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब हमारा 5th DIY की बारी है। तो यहाँ पे मैं ये एक जो जेम्स होता है उसका बॉल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, एंड मार्कर की हेल्प से मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ मोल्डेड क्ले, एंड मोल्डेड क्ले से मैं यहाँ पे शेप बनाऊँगी। बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, बेसिकली मैं यहाँ पे सांता का फेस बना रही हूँ, एंड यहाँ पे उनकी एक प्यारी सी मूंछ बनाऊँगी, नोज़ बनाया है, एंड हैट बनाऊँगी। एंड जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम यहाँ पे जेसो अप्लाई करेंगे। थोड़ी सी डिटेलिंग मैंने यहाँ पे ऐड की है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है आपको करना है नहीं करना है। एंड जैसा कि मैंने बोला कि जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम जेसो अप्लाई करेंगे, एंड जेसो अप्लाई करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर आप भी ऐसा कोई बॉल यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले थोड़ी सी सैंडिंग कर लीजिए, इससे क्या हो जाएगा कि जो जेसो है वो बहुत अच्छे से कवरेज देगा। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इसको अप्लाई करने में, वेल जैसे तैसे हो गया, जब ये ड्राई हो गया तब मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर की हेल्प से इसको कम्प्लीटली पेंट कर लिया है। तो आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई बॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्लास्टिक बॉल ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये टेक्सचर नहीं आएगा जो हमने यहाँ पे पेंट किया है। एंड आप चाहें तो इसको हैंग कर सकते हैं या फिर आप इसको टेबल पे या शेल्फ पे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हैंग करने के लिए एक डोरी अटैच की है, एंड इसी के साथ हमारा 5th DIY कम्प्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ग्लास बॉटल, इसके ऊपर मैंने जेसो अप्लाई कर लिया है। जेसो अप्लाई हो जाने के बाद जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है तब मैंने यहाँ पे ऑफ वाइट कलर का लाइक बटर मिल्क शेड का चॉक प्रिंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, दैट इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी, एंड मैं सारे लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। एंड इट्सी बिट्सी पे भी अगर आप कोई परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू5 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक मेरे पास ये क्रिसमस थीम का डेकोपाज नैपकिन पेपर था, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, एंड बहुत ही थोड़ा सा मैं अपनी बॉटल को डेकोरेट करूँगी। बहुत ओवरडू नहीं करना था, बहुत मिनिमल रखना था मुझे, इसलिए थोड़े थोड़े प्रिंट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। इनको स्टिक करने के लिए मैंने मॉड पॉज ग्लू का यूज़ किया है, एंड जब ये सब कुछ हो जाएगा तब ऊपर भी हमको एक लेयर मॉड पॉज ग्लू का अप्लाई करना है। जब सब कुछ कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब यहाँ पे आप कोई भी मनचाहा कोट या मैसेज लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल रखा है, टेस्ट द सीज़न लिखा है, एंड उसके बाद डॉटर टूल से थोड़े से डिटेलिंग्स ऐड किए हैं। जब सब कुछ कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम वार्निश का एक कोट अप्लाई करेंगे, एंड ये भी हो जाने के बाद ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूट रोप का यूज़ किया है, एंड उससे अपनी बॉटल को फाइनल टच दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ़ येस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीक एक नए अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।